अब निकलने का टाइम हो गया है। चल भाई मिलते, चलो आंटी बाय बाय चिनू सी यू। अपडेट देते रहे, यो लाइव लोकेशन भेजा, ट्रैक करते रहना। तो यस आई एम रेडी टू गो, बाय। तो आई एम ऑन द रोड एंड मैप के हिसाब से मुझे जाना है, सब सेट कर लिया है, बैग एंड ऑल एवरीथिंग। तो अब मैं पहुंच गया हूं नासिक हाईवे पे। अभी सीधा सीधा इसी रोड पे मुझे आगे बढ़ना है, बट उसके पहले मुझे लेना है फ्यूल, क्योंकि अब मेरी बाइक फ्यूल मांग रही है। सो 4:45, 3:30 बजे निकला था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया और थोड़ा बैग मेरा टेढ़ा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने अच्छे से और इसको टाइट कर दिया, फ्यूल ले लिया एंड हवा भी चेक करा लिया प्रॉपर है। तो अब चलते हैं हाईवे पे और रपा रप निकलते हैं। यस बेसिकली ये जो जर्नी है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की है। मेरे पास है अप्रॉक्सीमेट 52 आवर्स एंड उसमें मुझे कंप्लीट करने हैं अप्रॉक्सीमेट 1800 किलोमीटर। सो मुझे नहीं पता ये कैसे होगा और इसके लिए मतलब किस तरीके से राइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, वो भी सोलो राइडिंग कर रहा हूँ मैं। मेन चीज़ ये है कि सोलो राइडिंग कर रहा हूँ एंड सेकेंड मेन चीज़ ये है कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है राइडिंग के लिए। जितना किलोमीटर से 1800 किलोमीटर, उस हिसाब से टाइम थोड़ा और होना चाहिए, बट यस करना तो है। तो फाइनली मैं पहुंच गया नासिक और टाइम हो रहा है 6:49। जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसी टाइम पे मैं नासिक पहुंचा हूँ। एक्चुअली मैं नासिक क्रॉस कर रहा हूँ और आगे मैं देखता हूँ अगर कोई ढक्का एक ढाबा या फिर होटल या कुछ भी है, अगर दिखता है तो वहाँ पे एक मिलूँगा टी ब्रेक। एंड थोड़ी थोड़ी ठंड भी अच्छी खासी मतलब अभी लग रही है बॉडी पर, पता चल रही है कि ये नासिक के बाद PNG पता नहीं कौन सी ये जगह है, जगह का नाम नहीं पता, लेकिन एक टोल है और आगे अगर देखता हूँ मैं कोई ढाबा या फिर बेसिकली टोल के बाद या पहले कई सारे चाय की टपरी होती हैं। तो अभी चाय की ज़रूरत लग रही है मुझे और मुझे मेरे बेसिकली विंटर्स जो क्लोथिंग्स है वो भी निकालने और पहनने हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई ढंग का तो मतलब ठीक ठाक ही मिलेगा चाय, तो लगाता हूँ मैं कहीं ये बाइक और पियेंगे चाय। तो अभी मैं ये अच्छा ये कौन सा टोल है दादा, कौन सा टोल है ये जगह? पीपल गाँव। पीपल गाँव तो मैं हूँ बेसिकली, पीपल गाँव कोई तो है जगह। और चाय ब्रेक एक बनता था, बहुत विंटर के क्लोथिंग से ये मैंने निकाल लिए, पहन लिए, आगे ज़रूरत पड़ी तो वापस मैं चैन खोल के एक और मेरे पास जो है सेकेंड मतलब बहुत ही वो हाई लेवल का है तो वो मैं पहन लूँगा। और चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त है, एज यूजुअल हाईवे पे चाय ही ज़बरदस्त मिलती है, मतलब मुझे लगता है हाईवे पे कहीं भी आप फील हो चाय एक नंबर मिलेगी। तो यहाँ से 137 किलोमीटर है धूले, तो यहाँ से जाऊँगा मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूस राइड करूँ धूले तक, वहाँ पे फिर कोई ढाबा या कोई ऐसी जगह देख के रुकूँगा। मैं पीता हूँ चाय, फिर मिलते हैं कुछ मिनट में रोड पे। चलो बाय। बेसिकली मैंने क्रॉस किया है धूले एंड धूले क्रॉस करने के लगभग 5 या 10 किलोमीटर आगे मैं आया हूँ, मैंने मैप में देखा नहीं है।
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाना मीन्स बेसिकली वही दाल तड़का या सिंपल दाल और एक रोटी। आधा या एक घंटा रेस्ट लूँगा और फिर उसके बाद मेरा अगला टारगेट होगा इंदौर। मैं प्लान कर रहा हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खाते खाते मैं प्लान करता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। तो खाना खा लेता हूँ फिर भी। Three hours later. ये देखो, ये हनुमान जी की मूर्ति, मतलब दर्शन हो गए सुबह सुबह। तो सुबह सुबह बेसिकली टाइम आपने देखा 4:47 हो रहा है और मैं इंदौर से आई थिंक 10 या 15 किलोमीटर पहले हूँ, पहुँच चुका हूँ मैं। तो मैंने बेसिकली नॉन स्टॉप राइड किया, सिर्फ वो 11 बजे जब खाने बैठा था तो वहाँ पे खाना खाया और फिर उसके बाद 12 बजे तक वहाँ पे मैं रुका रहा। ग्लव्स, तो अभी विंटर वाले ग्लव्स पहनूंगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है और ये सभी भी रिकॉर्ड करने के लिए है नहीं राइडिंग के टाइम पे। तो एक बार जब सनराइज़ हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, यहाँ सामने सनराइज़ हो रहा है एंड मैं निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 6:53 इन द मॉर्निंग। नाइन किलोमीटर है भोपाल यहाँ से, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मिला एक ढाबा, यहीं पे करूँगा मैं नाश्ता और थोड़ा सा रेस्ट। ये है हाईवे, एक्चुअली इस साइड से आया मैं और इस साइड में मुझे जाना है, भोपाल है। और देखो, नो मैंस लैंड बोल सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ बहुत पुरानी चीज़ें हैं और ये अकेला एक होटल है, मितवाल ढाबा एंड रेस्टोरेंट, ये आपका है ना? हाँ। और इसके ओनर ये हैं? ये हमारे यहाँ के पहलवान है। ये यहाँ के पहलवान है। कुश्ती लड़ोगे किससे लेकिन? अभी पानी फिर एक ही पराठा मैंने ऑर्डर किया, हैवी पराठा है क्योंकि ज़्यादा खाऊंगा नहीं, ज़्यादा खाऊंगा तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी तो राइड कर नहीं पाऊंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं, सो आई डोंट नो। ये देख लीजिए आप, रेखा, बाकी और कुछ तो दिखाने लायक है नहीं, तो ये इंटरेस्टिंग मुझे दिखा काफ़ी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से पानी गिर रही है वो ऊपर वाले ड्रम में, 1, 2, 3, 4 ड्रम और इसमें होल कर रखा है। So finally I have reached home. तो आप जानते ही हैं, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ दिखाता हूँ आपको, दिखाऊं? ये चलाऊंगा मैं, इसको ऐसे प्रेस करना होता है, ऊपर कर दिया, अभी हैंड ब्रेक निकल गई, ये रास्ता भी आप देख सकते हो, एक्चुअली मैं बस सिर्फ पार्क कर रहा हूँ। तो भाई
भाई मैंने 55 लाख की गाड़ी चलाई है।